लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, काफी दिन का मतलब अराउंड एक महीने पहले या डेढ़ महीने पहले या फिर कुछ तो इसी टाइम फ्रेम में उन्होंने अपना एक इंस्टा पे स्टोरी शेयर करी थी, जिसमें वो एक बेड के सामने खड़े थे, वो बैकफ्लिप मारते हैं। ठीक है, बैकफ्लिप जानते हो ना, जो पूरा उल्टान पलटान हो जाती है, तो वो मारते हैं। और वो उस कुछ तो उसमें गाने के बारे में लिखा था। तो देखो, गाने के बारे में काफी पुराने पहले से प्लानिंग चली हुई है जहां तक मुझे लगता है। लेट्स सी कि इस गाने में क्या होने वाला है। अभी बज रहे हैं 10:55, 5 मिनट में इस गाने का प्रीमियर होने वाला है। तुम्हारा भाई चश्माश वाला आकर बैठ गया है। और एक और चीज बोलिए, मुफाड़ भाई, लव यू सो मच भाई, अगर ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को मेरी एंग्जाइटी की दवाई दे दी है। जब भी बुद्धि खराब होती है तो बस क्या फैन में फेक कौन सुन लेता हूँ, और दिन में मतलब जो इतनी खुशी होती है ना, ये लाइन सुनकर मैं आपको बता नहीं सकता। अभी तक इसका भूत मेरे दिमाग से नहीं उतर पाया है, तो फिर से थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, आप जरा इंतजार करते हैं, ये गाना जल्दी आने वाला है, देखते हैं इस गाने में क्या होने वाला है। उससे पहले चलो, अभी तो 3 मिनट बचे हुए हैं, उससे पहले बस आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट है यार। मैंने कल के वीडियो आपको बताया था कि 70% सब्सक्राइबर्स, वो वीडियो देखने वाले जो हमारे चैनल के ऊपर हैं, वो चैनल नहीं सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो कृपया करके यार, आपसे प्लीज, लॉर्ड मर्सी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। और भाई थोड़ा हमको भी मोटिवेशन दो यार, कुछ करने का थोड़ी है, खाली वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसके तरह एक जोर से टपली मार के लाल सफेद कर दीजिए, उसके बगल में छोटी सी नोटिफिकेशन वाली घंटी, उसको भी टर्न करा दीजिए। इंस्टा पे आइए, ID का नाम है @afakeyouknow, वहां पे काफी सारी चीजें चली होती है, जैसे कि अभी एक रैप चैलेंज चला हुआ है, आपको नहीं पता तो आइए और देखिए, आपको मजा आ जाएगा उसके बारे में जानकर। चलो ठीक है, थोड़ा इंतजार करते हैं, वीडियो आने वाला है, प्रीमियर होने वाला है, और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अब प्रीमियर होने बचे हैं करीब 29 सेकंड, और मेरे साथ करीब 3000 भाई लोग और भी ये वीडियो देख रहे हैं, और ये गाना शुरू। तेरी खुशियां तो वद कुछ होना नहीं, तू छड़ जावे मैनु तावी रोना नहीं, एक बारी दिलों काट दे तू मैनु, सवा तेरी मैनु मुड़ के भी आना नहीं। तेरी खुशियां तो वद कुछ होना नहीं, तू छड़ जावे मैनु तावी रोना नहीं, एक बारी दिलों काट दे तू मैनु, सवा तेरी मैनु मुड़ के भी आना नहीं। तेरियां मैं रावां नू तकदा, तस्वीरां नू मैं दिल च लगा के रखदा, सच्ची दसां दिल डरदा या तेरे करके, लग जे ना तेनू नजर किते मेरियां। तेरियां मैं रावां नू तकदा, तस्वीरां नू मैं दिल च लगा के रखदा, सच्ची दसां दिल डरदा या तेरे करके, लग जे ना तेनू नजर किते मेरियां। आंसू पोंछ शांत दिमाग से सोच बैठ के, ऐसा भी क्या हो गया तू ब्रेकअप कर रही है चैट पे, मैंने किताबों में हिसाब कभी लिखा नहीं, प्यार का तभी एक्स की वैल्यू पता नहीं, लगे पड़े हैं मैथ्स के हले मॉडल्स मेरी वीडियो में, पर आंखों में है तू, मुझे जो चाहिए था जिंदगी से तू बिल्कुल हूबहू, तुझसे बात करता हूँ तो गवाही देती रूह, तू शौक ना मेरी आदत है, तू आज भी सुकून, तू ही गिना दे चल गलती मेरी लास्ट एक, म्यूजिक तुझसे ऊपर है मैं ऊपर से हूँ नास्तिक, बाइक और तू ऊपर वाले से ऊपर थी मेरे लिए, अंधा विश्वास नहीं थी मुझसे ज्यादा वास्तविक। तेरी खुशियां तो वद कुछ होना नहीं, तू छड़ जावे मैनु तावी रोना नहीं, एक बारी दिलों काट दे तू मैनु, सवा तेरी मैनु मुड़ के भी आना नहीं। तेरी खुशियां तो वद कुछ होना नहीं, तू छड़ जावे मैनु तावी रोना नहीं, एक बारी दिलों काट दे तू मैनु, सवा तेरी मैनु मुड़ के भी आना। बन जाते मसले हैं, मैं बनना था नहीं, होता वही है जो मैं चाहता नहीं, खुश तो है साथ, बस फर्क है इतना कि तू है एक त्योहार जो बेबी मैं मनाता नहीं। रह ले औकात में दिमाग मेरे, दिल से कहता हाथ कांपते थे मेरे जब भी तुझ पे लिखने बैठा, लिख डाला आज हर तारीफों की जलालत में, वकालते सुने भी कौन मोहब्बत की अदालत में, मुझे हराना या मुझे हारना चाहता है, देख आंखों में मेरी तू मुंह से झूठ निकल जाता है, ना सही ना गलत बस एक बेवजह की बहस में, हर बार तेरे प्यार का वजूद बिखर जाता है, बिन गलती गिल्टी कितनी बार नहीं है गिनती, या मैं ब्लेस्ड हूँ या कर्स्ड समझ नहीं आता, सीने क्या तू मांगे वक्त पर ये म्यूजिक मांगे जिंदगी, इसने काफी कुछ देखे मुझसे काफी ज्यादा छीन लिया।
तेरी खुशियां तो वध कुछ होना नी, तू छड़ जावे मैनू ता भी रोना नी, एक बारी दिलों कट दे तू मैनू, सौ तेरी मैनू मुड़ के भी आना नी। क्या गिटार सोलो स्टार्ट। भाई मतलब क्या बात करे यार, लोग इनको कहते हैं मुफाड़ महाराज, लेकिन मेरे हिसाब से इनका नाम रख दो मुफाड़ सरप्राइज महाराज। भाई सरप्राइजेस देने में तो मतलब इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कौन सोचा था कि भाई ये इतना ज्यादा रोमांटिक गाना ड्रॉप करने वाले हैं आफ्टर भूत बनेगा। प्यारा गाना, बहुत बढ़िया गाना, मेरे दिमाग में एक डॉट कनेक्ट हुई है। अगर आप लोग को नहीं पता तो एक दिन उन्होंने मुझे लाइव स्ट्रीम पे भी लिया था इंस्टा पे। जी हाँ, तो एक दिन ये अपने लाइव स्ट्रीम के ऊपर थे मुफाड़, और उस दिन इन्होंने कुछ बात करी थी। जब इनसे किसी ने पूछा था कि भाई आप अगला गाना कैसा होने वाला है, तो उनका पता नहीं यार, जैसा मेरा मूड करेगा वैसा करूँगा। हो सकता है कि नेक्स्ट सॉन्ग मुझे मेरी एक्स को डेडिकेटेड हो सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वही वाली चीज है, उन्होंने ये गाना अपनी एक्स के लिए लिखा है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है। बहुत ही साफ साफ दिल से लिखा हुआ गाना, सारी लाइनें बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी लाइनें थी, है ना। एक बंदा जिसकी गर्लफ्रेंड जा चुकी है और वो अभी भी प्यार में है, वो उसे रिलेट कर सकता है। लेकिन एक लाइन मेरे को बहुत सही लगी कि तू मांगे मेरा वक्त लेकिन म्यूजिक मारे मेरी मांगे मेरी जिंदगी। मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद है, लेकिन उसका मतलब ये था कि तुम मुझसे टाइम चाहती हो बेबी, है ना, लेकिन म्यूजिक जो है वो मुझसे मेरी लाइफ मांगता है। इसने बहुत आगे कुछ ऐसा भी लिखा था कि इसने बहुत कुछ देखा है। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली भाई अगर कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, तो उसको लिटरली अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देनी पड़ती है, पूरी पूरी लाइफ डेडिकेट करनी पड़ती है। अगर उनको इस लेवल का, जैसे अभी जिस लेवल का मुफाड़ है, या फिर उनके आर्ट पार जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर भाई ये ऐसे नहीं बन जाते कि हमारी एक बढ़िया सी लाइफ भी चली हुई है। बढ़िया सी लाइफ का मतलब ये है कि मैं सब कुछ परफेक्ट है, घर वालों के साथ भी रहता हूँ, गर्लफ्रेंड के साथ भी रहता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों के साथ ऐसा नहीं हो पाता ब्रो, आपको कट डाउन करनी पड़ती है अपनी चीज़ें, ताकि आप अपने वो 24 घंटे सही चीज पर उस चीज पर डेडिकेट कर पाए जो आप दिल से चाहते हैं। और यहां पे जितने भी आर्टिस्ट इस लेवल पे हैं, वो सिर्फ मुझे पता है एक चीज चाहते हैं, अपनी आर्ट को और बेहतर करना। तो यही वाली चीज उन्होंने, मतलब ये लाइन मुझे बहुत सही लगी यार, क्योंकि आई सीन एक टाइम पे मैंने भी कोशिश करी, सो आई नो कि कितना ज्यादा वक्त लगता है। और पूरा गाना रोमांटिक, मैंने कभी मुफाड़ गा भी सकते हैं, मतलब ही कैन सिंग I mean, obviously he can sing, we have heard him, but अच्छा लग रहा था यार, right? क्योंकि मुफाड़ की वैसी आवाज जब वो रैप करते हैं तो लगता नहीं है कि वो ऐसा भी गा सकते हैं। उसमें उन्होंने ऐसा गाया विदाउट ऑटो ट्यून, उतना ऑटो ट्यून नहीं था, इफेक्ट्स तो हर आदमी के में होते हैं, लेकिन ऑटो ट्यून नहीं था, विदाउट ऑटो ट्यून उन्होंने काफी सही गाया। और अगर आप देखो तो म्यूजिक बाय लिखा है मुफाड़, और मिक्स एंड मास्टर बाय कर्तव्य मेरा भाई, उसको तो मतलब हमेशा हैट्स ऑफ। लेकिन इतनी प्यारी सी मीठी सी मधुर वर्सटैलिटी अच्छी लगती है, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूं, फाइनली एक रैपर जिनका मैंने कल नाम लिया था, जितने बड़े बड़े हैं फिर से नाम नहीं रिपीट करूंगा, उनमें से जो हमारे अब जो ये हैं हमारे रैपर, गुस्से वाले रैपर, ठीक है, इन्होंने एक मीठा प्यारा अदर देन दिस सॉन्ग निकाला। मतलब मैं तो बहुत हैप्पी हूँ यार ये देख करके, चलो फाइनली अब लोग डिस गेम खत्म करके अपनी अपनी आर्ट पर ध्यान दे रहे हैं। और मतलब मुझे तो अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, और मैं रियली विश एंड होप करता हूँ कि ऐसे गाने और भी निकालते रहें। तो मुफाड़ भाई थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ और बोलूँगा, देखो भाई ये रिएक्शन चैनल है, ठीक है, यहाँ पे आके गाने पूरे पूरे आप सुन लेते हो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल गाने पे जाकर भी उतना ही सपोर्ट करा करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उन गानों की वजह से अच्छा लग रहा है, उन आर्टिस्टों की वजह से अच्छा लग रहा है जिनके गाने मैं यहाँ पे फीचर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ओरिजिनल लिंक हर गाने का मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ पे ज़रूर जाया करिए, उस गाने को उस आर्टिस्ट को सपोर्ट करा करिए, उनके व्यूज़ बढ़ाया करिए, उनको लाइक करा करिए, कमेंट करा करिए, इधर तो करा ही करिए, लेकिन एक अच्छे वोक व्यूअर बनिए जिससे आप सबके लिए अच्छा करो, ठीक है। मतलब कि वो आपके लिए गाने बना रहे हैं, मैं आपके लिए थोड़ा सा 2-5 मिनट का आपका टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप क्या कर रहे हो, आप हम लोग को सपोर्ट करते हो जिसकी वजह से हम लोग ये काम कर पाते हैं, ठीक है। तो भाई ये भी वीडियो देखा करिए, और वो ओरिजिनल आर्टिस्ट के चैनल पर जाकर तो ज़रूर गाना सुना करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करा करिए भाई। और 70% भाई कितने गिनाता रहूँगा साले को, जब तक ये 70 जो है ना 40 तक नहीं आ जाएगा तब तक मैं ये नंबर गिनाता रहूँगा। 70% वो जनता है जो हमारे चैनल पर आके वीडियो देख कर चली जाती है, लेकिन
चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत गंदी बात, बहुत ज्यादा गंदी बात, ठीक है। तो चलिए प्लीज वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको जोर से तपली मारकर लाल सफेद कर दीजिए, उसके बाद में जो छोटी सी नोटिफिकेशन वाली घंटी उसको भी टर्न करा दीजिए। इंस्टाग्राम पे आइए, आईडी का नाम है @fakeyouknow, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज होती है वहां पे, रैप चैलेंज चला हुआ है, ठीक है। तो चलो भाइयों बहनों इस वीडियो में इतना ही, मैं अपना अगला वीडियो लेकर जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने कानों को सस्ते संगीत से बचा के रखिए, एंड #म्यूजिक सुनाओ म्यूजिक बचाओ को फॉलो करिए। अ फेक।